नमस्कार दोस्तों, बिग बुल मार्केटिंग के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, धन्यवाद। तो गाइज, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे VBL शेयर के बारे में, क्या आपको इस शेयर पे जो है निवेश करना चाहिए नहीं, और इस शेयर में जो आपको आने वाले टाइम में क्या टारगेट देखने को मिलेगा, कहाँ इस शेयर का सपोर्ट बनेगा, कहाँ पे रेजिस्टेंस, सारा हम आपको क्लियर कर देंगे। इस शेयर के जो है फंडामेंटल जो है वो क्या इंडिकेट करें, चार्ट सेटअप जो है वो क्या इंडिकेट करें, टेक्निकल लेवल जो है वो क्या इंडिकेट करें, और इस शेयर में जो आपको आने वाले टाइम में क्या टारगेट देखने को मिलेंगे वो भी क्लियर कर देंगे। तो गाइज़, अगर आप जो है इस शेयर में निवेशक हैं, निवेश करने की सोच रहे हैं, तो वीडियो जो एंड तक जरूर देखेगा। तो चलेगा स्टॉक का जो है टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस शुरू। तो गाइस, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे VBL शेयर के बारे में, शेयर के जो है फंडामेंटल जो है वो क्या इंडिकेट करें, फाइनेंशियल जो है वो क्या इंडिकेट करें, और यहाँ पे जो है क्या मोमेंटम बन रहा है। तो पिछले 5 दिनों में देख सकते हैं स्टॉक जो है आपको थोड़ा करेक्ट होता हुआ दिखा, जब स्टॉक ने तकरीबन अपने 1530 के आसपास के लेवल को टच किया, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन और एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड ट्रेंड हमें जो है VBL में देखने को मिला। तो गाइस, स्टॉक जो था काफ़ी स्ट्रेच आउट हो चुका था, और ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी पूरी जो थी आनी लाजमी थी। लेकिन आपको पता है गाइस, हम आपको कब से कह रहे हैं कि आप VBL में पोजिशन बनाइए, कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली कितनी स्ट्रॉन्ग है, ग्रोथ आउटलुक कितना पॉजिटिव है। और आपको पता है हमको इनका जो बिजनेस पेस है वो पर्सनली बहुत पसंद है। आप देख सकते हैं कंपनी की जो फाइनेंशियल्स है वो कितने बढ़िया है, कंपनी का रेवेन्यू कितना बढ़िया है, नेट इनकम कितना बढ़िया है, प्रॉफिट मार्जिन कितना बढ़िया है, ऑपरेटिंग इनकम कितना बढ़िया है, और कंपनी का जो ग्रोथ आउटलुक है वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो मैं आपको यही राय दूंगा और मेरी आपको यही सलाह रहेगी, VBL शेयर में आप लोग जो है बेफिक्र होकर पोजीशंस बनाइए, कोई भी कमी आपको जो है VBL में देखने को नहीं मिलेगी। थोड़ी पूरी प्रॉफिट बुकिंग इसमें देखने को मिलेगी गाइस, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी है गाइस शेयर में पोजीशंस बनाने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए। आने वाले टाइम में 2000 प्लस का जो स्टॉक होके ही रहेगा गाइस, कंपनी का जो बिजनेस स्पेस है वो इतना स्ट्रॉन्ग है। आपको पता है पेप्सिको के लिए जो है पैकेजिंग करती है, बॉटलिंग करती है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है। तो अब तो इनका समर सीज़न आने वाला है, और सॉफ्ट ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक का पता है कितना ज़्यादा जो है डिमांड समर सीज़न में इंडिया में पड़ता है। तो VBL एक अच्छी जो है यहाँ पे आपके लिए बाय कॉल है, पोजीशंस बनाइए लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, और 2000 प्लस के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, और ग्रोथ आउटलुक पॉजिटिव है। तो चलिए अब इसका चार्ट सेटअप आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो गाइस, VBL का आपको यहाँ पे चार्ट सेटअप समझाते हैं। तो चार्ट सेटअप आप देख सकते हैं VBL का यहाँ पे कितना बढ़िया बना है, एक तरफा वो जो है बुलिश ट्रेंड इसका जो है अपवर्ड साइड को बना, और एक तरफा रैली जो है हमें स्टॉक में देखने को मिली। लेकिन अपर लेवल में थोड़ी हमें हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और यहाँ पर थोड़ी सेलिंग देखने को मिली। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं VBL अभी जो है आपको थोड़ा जो है यहाँ पे कंसोलिडेट होता हुआ दिखेगा, और थोड़ा एक वीक सेंटीमेंट और एक वीक ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म में अभी इसमें आपको एक वीक फेज और एक वीक ट्रेंड देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो आपके लिए ये एक मौका है गाइज इसमें पोजीशंस बनाने का डिस्काउंटेड प्राइसेस में। तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से निवेश कीजिए, और शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट बुक करके निकलिए, और अभी निवेश मत कीजिए। शेयर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट और थोड़ा जो है वीक पड़ता हमें दिख सकता है, लेकिन अभी भी इसका जो है फ्यूचर का ग्रोथ आउटलुक पॉजिटिव है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ग्रोथ आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है, और आने वाले टाइम में 2000 प्लस का होके रहेगा। तो मैं आपको यही राय दूंगा और मेरी आपको यही सलाह रहेगी, VBL में आप जो है बाइंग करके चलिए। कंपनी फंडामेंटली और फाइनेंशियली दोनों स्ट्रॉन्ग है, कोई भी कमी नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा वीक सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है। तो गाइस, ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, धन्यवाद।